पैसा, प्यार, धन, सब मोह माया है। अगर ये फिल्म के तौर पे आपको देखना हो तो एक शॉर्ट फिल्म आई है, चॉइस इज योर्स, आप जाके देखिए एंड यू वुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड। हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू वायरल बॉलीवुड। दिस इज योर होस्ट शिवम शर्मा। दोस्तों, आमतौर पे पेंडेमिक में, कोविड में, हर तरह की शूटिंग्स को पॉज कर दिया गया है बिकॉज इंडिया इतनी गंदी तरीके से इफेक्ट हुई है। इसके बावजूद भी सेकेंड वेव शुरू होने से पहले, लॉकडाउन लगने से पहले, शॉर्ट फिल्म बनी थी जिसका नाम है चॉइस इज योर्स। अब इस शॉर्ट फिल्म के बारे में खास बात क्या है, आमतौर पे कोई फिल्म शॉर्ट फिल्म कैसे बनती है? एक डायरेक्टर आता है, एक्टर्स आते हैं सेट पे, डायरेक्शन मिलती है, एक्टर एक्टिंग करता है, काम खत्म, पैकअप और फिल्म तैयार। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं था। चॉइस इज योर्स के डायरेक्टर यासर सर इंडिया में नहीं थे जब शूटिंग चल रही थी। ही वॉज इन कैनेडा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन प्रोसेस एंड उसके बावजूद भी ही डायरेक्टेड द इंटायर शॉर्ट फिल्म एंड इट केम आउट ब्यूटिफुली। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा मैं इसके कॉन्सेप्ट के साथ में। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था जो मैसेज देने की कोशिश की यासर सर ने इस स्टोरी के साथ में। इट वॉज अमेजिंग। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि पैसा, प्यार, धन, सब मोह माया है। इस बात को कैसे एक शॉर्ट फिल्म में ढाला है यासर सर, दैट वॉज अमेजिंग। इसके बाद अगर बात की जाए सेट्स की, लोकेशंस की, उसके बारे में आप बात करते हैं। लोकेशंस वर क्वाइट रियल। एक बार भी ऐसा लगा नहीं हमें कि यार पीछे VFX है या फिर ये सेट है। इट ऑल फेल्ट लाइक रियल लोकेशंस, जो मुझे बहुत पसंद आया। इसके लिए आई विल गिव 10/10 टू द लोकेशंस एंड सेट्स। पार्ट नंबर 2 कम्स टू द डबिंग। दिस इज द ओनली प्लेस इन द शॉर्ट फिल्म जहां पर मुझे खुशी नहीं मिली। इट फेल्ट लाइक कि डबिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी, बैकग्राउंड स्कोर और अच्छा हो सकता था। लेकिन कोई बात नहीं यार, जिस तरह से, जिस दौर में फिल्म बनी है, शॉर्ट फिल्म बनी है, इट इज अमेजिंग। एक्टिंग की बात की जाए, द एक्टर्स हैव इम्प्रेस्ड मी अलॉट इन दिस शॉर्ट फिल्म। अगर आपको नहीं पता हो, हमने कुछ दिन पहले चैरिटी स्ट्रीम किया था ऑन आवर चैनल वायरल बॉलीवुड, इन सभी स्टार कास्ट के साथ में, अब जाके देख सकते हो। इस फिल्म में, शॉर्ट फिल्म में एक्ट किया है सिद्धांत इस्सर, जो पुनीत इस्सर साहब के बेटे हैं, दिलशाद, कनिष्का, अलॉट ऑफ अदर स्टार्स एज वेल। सबसे पहले बात करूंगा दिलशाद की, जिनने माया का किरदार निभाया है, आउटस्टैंडिंग किरदार निभाया है, विद द इमोशंस, विद द वॉइस टोन। एक कैरेक्टर जो अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट कर सकता है, इम्प्रेसेस मी अलॉट, जो माया ने इस कैरेक्टर में किया। सो दिलशाद, इफ यू आर वॉचिंग दिस, बहुत ही अच्छा डायलॉग डिलीवरी एंड एक्सप्रेशंस दिए आपने। सिद्धांत इस्सर, ही इम्प्रेस्ड मी अलॉट बिकॉज एक ही शॉर्ट फिल्म में जो 20-22 मिनट की बनी है, उसमें अगर आप डिफरेंट टोन्स ऑफ एक्सप्रेशंस देखने मिल रहे हैं एक एक्टर की ओर से, आई थिंक दैट विल बी अ डिलाइट इन द आईज ऑफ द व्यूअर्स। बहुत ही अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं, एक्टिंग अच्छी की गई है। कनिष्का का मैंने इंटरव्यू लिया एंड इन द इंटरव्यू शी वॉज अ डैम ब्यूटिफुल गर्ल। ऑफकोर्स शी इज डैम ब्यूटिफुल, बट अगर आप उनको इस शॉर्ट फिल्म में देखोगे, उनका लुक बिल्कुल ही डिफरेंट है। उनकी जो आवाज है, डिलीवरी है आवाज की, बिल्कुल ही अलग है। उनके जो मेकअप है, इमोशंस है, बिल्कुल ही अलग थे। इट फेल लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट गर्ल, विच एन एक्टर इज अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सो कनिष्का, आपने भी बहुत अच्छा काम किया। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ आपको, सिनेमेटोग्राफी भी बहुत अच्छी है। खाली प्रॉब्लम यही है कि जो डबिंग थी वो और अच्छी हो सकती थी। इसी वजह से मैं शॉर्ट फिल्म को 3.5 स्टार्स दूंगा। और आप जाके देखिए चॉइस इज योर्स को, जो ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। द लिंक विल बी इन आवर डिस्क्रिप्शन, आप जाके देखिए। और वो फिल्म आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट से बताइए। एंड फॉर मोर सच ऑनेस्ट ओपिनियंस ऑन एनीथिंग, म्यूजिक वीडियो, ट्रेलर्स, टीजर्स, एनीथिंग, कीप वॉचिंग वायरल बॉलीवुड। दिस इज योर होस्ट शिवम शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।